में वो हमारी तरफ बेर बकरिया नहीं निकलता है hmm. वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकलता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकलते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है जो इंडियंस को दी जाती है बिल्कुल एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के एलिमेंट्स से हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के अंदर वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है वो है पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, है ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये सारी फेरी टेल्स है और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं मेरा एक दोस्त है उसने एविएशन में बेसिकली डिग्री की है और आपके सामने है कि पिछले दिनों पी में कितनी जाली डिग्रियाँ पकड़ी गई हैं तो वो एविएशन में उसका कोई स्कोप नहीं है वो इस टाइम कॉल सेंटर में काम कर रहा है अभी एक न्यूज आई थी जिसके मुताबिक अलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया ट्विटर को खरीदने के बाद जो कि इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले सी थे उनको फायर कर दिया और बहुत सारी कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि उनको निकालने के बाद इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले सी को निकालने के बाद अब अमेरिकन को ही सी ऑफ ट्विटर बनाएंगे लेकिन जब अभी ये न्यूज़ आई है इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया बिकॉज अभी दोबारा से ही इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले ही एक बंदे को उन्होंने सी बना लिया जिनका नाम है श्री राम कृष्ण या कि आबादी तकरीबन नौ अरब तकरीबन नौ बिलियन के करीब वर्ल्ड की आबादी सिर्फ और सिर्फ इंडियन को ही सिलेक्ट किया गया सीओ ट्विटर जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अमेरिका के मल्टीनेशनल कंपनी में एक और भारतीय का पदार्पण हो चुका है जहां पर एलोन मस्क ने पिछले हफ्ते ही ये ऐलान किया कि वो भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन को ट्विटर का नया सीईओ बनाने जा रहे जहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेरिका में भारतीयों का बोलबाला आए दिन बढ़ते जा रहा है, जहाँ पर अमेरिका के सभी मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ एक भारतीय ही है क्योंकि भारतीयों की कैपेबिलिटीज पर आज अमेरिका को पूरा विश्वास है इसलिए आज आप ऐसा भी कह सकते हो कि पूरे भारतीय मिलकर अमेरिका को चला रहे वहीं पर पाकिस्तानी पब्लिक का इसके ऊपर ये कहना है कि आज पूरी दुनिया को भारतीय ही दिख रहे हैं बड़े बड़े औदों के लिए क्योंकि आप देख सकते हो कि दुनिया में आज बड़े बड़े पद पर एक भारतीय ही बैठे हैं और वो पूरे बड़े बड़े कंपनी उसको चला रहे हैं और वो भी बहुत ही सक्सेसफुल ये सब पाकिस्तानियों के साथ देखने को नहीं मिलता क्योंकि पाकिस्तानियों का इमेज पूरी दुनिया में एज अ टेररिस्ट बताया जा रहा है और वो एक सच्चाई है क्योंकि आप पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते इसलिए वो बाहरी देशों में भी खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं और वो काम करते हैं जब जाके उन्हें कहीं पर काम मिलता है तो क्या पाकिस्तान अपने इमेज दुनिया में इतना बुरा कर चुका है कि दुनिया उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रही है देखकर तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उसको सुधारने के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना बोले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे धन्यवाद लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अगला जो सीईओ आया है वो भी एक इंडियन है क्या कहेंगे आप इस सवाले से कि क्या वजह है कोई गोरा उनको नहीं मिला जो एक के बाद दूसरा इंडियन ही हमें सी मिल रहा है ट्विटर पर देखिए सबसे ज्यादा हम अगर यू के मेंबर्स देखे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और दूसरी बात इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरफ बे बकरियाँ नहीं निकालता है वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं और उनका जो अभी जहाँ पे सोलर सिस्टम देखें उसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए तो इनसे हम उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कितना बेस्ट सिस्टम है उनका वो पाकिस्तान की तरह है ही नहीं और इसलिए उनके ज़्यादा मेंबर्स भी यूएन में हैं और ये ट्विटर का रिसेंटली सीईओ भी इंडिया से बिलोंग करता है इसी वजह से क्या वजह कोई अमेरिकन इस अहदे पर क्यों नहीं आया क्योंकि मोस्टली कंट्रीज ये अज्यूम करके बैठ गई थी कि अगला जो ट्विटर का सीईओ होगा वो कोई अमेरिकन होगा क्या उन्हें कोई अमेरिकन कोई गोरा नहीं मिला ट्विटर पर सीईओ के लिए देखिए आप जिस फील्ड में प्रोफेशनल हो ओविय, होबी आप उसी में प्रेफर करेंगे जो न्यू सीईओ था ट्यूटर का इंडिया जो बिलोंग करता है उसे इस वजह से प्रेफर किया गया क्योंकि उसका था जो सीईओ के लायक था इसी वजह से उसे प्रेफर किया गया ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडियन लॉबी बनी हुई है जो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देती आप इस पर एग्री करते है? नहीं टोटली नहीं। में इसे डिस क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है दूसरे दूसरे लोग हैं वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं बींग स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस में इस चीज़ से टोटली करता हूँ सर सिर्फ पहला नहीं है जो इंडियन है गूगल माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर नोकिया सबके सीई इंडियन है जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनके CEO's हमें इंडियन ही नजर आते हैं कोई शायद शायद कहीं पे हमें कोई पाकिस्तानी इतने बड़े पाकिस्तान पर नजर आए सबसे बड़ी चीज़ ये पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से क्यों नहीं नजर आता इंडियन जो आ, और पाकिस्तानियों में जो बेसिक फर्क है उन्हें प्रमोट बहुत किया जाता है उनका आ, जो आप कह सकते हैं जो सी का सेक्टर है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है उन्हें प्रमोट बहुत करती है गवर्नमेंट से लेके Uh, बाकी आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन एक इंडिया का ट्रेड ट्रेडमार्क जो है वो ऑब्वियसली वेदर वुड लाइक टू एडमिट एड और नॉट पाकिस्तान से बड़ा एक तो उन्हें प्रेफरेंस उस चीज़ की मिलती मिलती है प्लस दे आर शार्प दे आर शार्प पीपल तो जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि जब इंडिया में हमारे से बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर को हमसे बेहतर समझते हैं तो ऑब्वियसली आई थिंक उन्हें ऑपर्चुनिटी जो है हमसे ज्यादा मिलेगी ही मिलेगी तो सर अमेरिका के पास कोई इतना काबिल बंदा नहीं था जो आके ट्विटर को चलाता जो उन्होंने एक इंडियन को ही दोबारा सीईओ की सीट पर फाईस किया है मेरे ख्याल में देखो ना अमेरिका अमेरिकन में बहुत ज्यादा लोग इस तरह रहोगे लेकिन इन्होंने इस तरह इस बंदे को इसलिए यह जगह दी कि कोई दूसरा बंदा हो जो सबको इक्वल प्लेस दे अमेरिकन बंदा में वो वन हो सकता है वो फ्यम की तरफ जा सकता है तो उन्होंने बंदे को पे इसको हायर किया कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो सर क्या वजह है हमें ऐसे बड़े बड़े पे बड़ी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आते आप जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें इंटरनेशनल लेवल पर गूगल माइक्रोसॉफ्ट अडोप नोकिया इन सब के सी ईज इंडियंस हैं पाकिस्तानी में बहुत कम नजर आते हैं बेसिक uh, बात इस तरह ना है कि वो है आ, आपके अहमियत मतलब पाकिस्तान में जो अहमियत है और एजुकेशन की अहमियत नहीं हमारी जो मफादात है या हमारी जो आ, इंटरेस्ट है वो एजुकेशन की नहीं आप बजट में देखिए कि हम बजट के लिए एजुकेशन के लिए हम कितनी बजट एलोकेट करते हैं आप इंडिया में देखिए कि उसमें बजट एलोकेशन कितनी हो रही है फॉर एजुकेशन तो पाकिस्तान में जो आईटी सेक्टर है उसको इस तरह स्कोप नहीं दिया इसको इस तरह अहमियत नहीं दी जा रही जिस तरह बाकी मुल्कों में तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम कंपैरिजन करें एजुकेशन की तो कुछ किस कंट्री की ज़्यादा बेटर है एजुकेशन सिस्टम इंडिया की बहुत अच्छी है जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे बीएस लेवल पे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता होती जो उनकी बेसिक लेवल पे मैट्रिक या इंटर में लोगों को पता होती हैं तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है बिजनेस से लेकर किसी और भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ तो वहाँ पर मिलती है उनको यार ना सिर्फ अमेरिका अगर मैं बात करूँ हमारे इस्लामिक कंट्री यू की और दूसरी कंट्रीज के बारे में दुनिया पूरे में इंडियन छाए हुए हैं अभी आप देखेंगे पाँच ऐसी कंट्रीज है जहाँ जिनके पी एम इंडियंस हैं वाई इंडियन रूलिंग देखें इसमें बेसिकली जो ब्रॉटअप आ जाता है कि जो इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है ना वो बनाया इस तरह गया है कि पाकिस्तान का भी उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को और अमेरिकन के भी अगर हम करें कंपेयर करें तो अमेरिका का भी शायद सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है आ, उनको देखें ना यहाँ पे तो हुआ कि किताबें पढ़ी बच्चों ने उसके बाद ख़त्म हो गया वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ जोन सी है उसके जोन से हैं रिव्यूज़ एंड ऑल दैट वो इंडिया के बहुत अच्छे हैं इस यही उसकी मेन रीज़न है कि इंडियज जोन से हैं वो फिर जोन से उनकी वर्किंग लाइफ आ जाती हैं आगे उसके अंदर वो कम्परेटिवली बाकी सारों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं